दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कार्स 24 के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। अगर आप कोई पुरानी गाड़ी यूज कर रहे हैं जिसको सेल करना चाहते हैं तो कार्स 24 पे विजिट करिए, जहां पे आपको मिलेगी आपकी कार का बेस्ट प्राइस। है बहुत सिंपल सा इजी प्रोसेस है, बस आप नीचे दिए गए लिंक से अपॉइंटमेंट बुक करिए, स्टोर पे विजिट करिए। 30-40 मिनट का एक प्रोसेस टाइम है जिसमें ये आपकी गाड़ी का इंस्पेक्शन करेंगे और अपने पोर्टल पे अपलोड करेंगे, और उसके बाद इनका एक चैनल नेटवर्क है पूरा पैन इंडिया फैला हुआ है जिसके थ्रू ये बिडिंग कराएंगे। 24 मिनट बिडिंग टाइम है, यहाँ पे बिडिंग के बाद जो भी मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी वो आपको कोट की जाएगी। अगर आपको वैल्यू पसंद आती है तो आप अपनी गाड़ी को इंस्टेंट इनको सेल कर सकते हैं। आरसी ट्रांसफर का भी झंझट नहीं है, सब कुछ ही आपको करा के देंगे। अगर आप स्टोर विजिट भी नहीं करना चाहते हैं तो सेम लिंक से आप होम विजिट भी बुक कर सकते हैं। दोस्तों आज मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ हुंडई ग्रैंड आई10 नियोस स्पोर्ट्स, जो कि इसका सेकेंड टॉप वेरियंट है, और इसमें टॉप वेरियंट एस्टा को। आज हम बात करेंगे इन दोनों गाड़ियों के फीचर्स की और देखेंगे कितना है प्राइस में डिफरेंस। ये जो गाड़ी आपके सामने लेफ्ट हैंड पे खड़ी हुई है ये इसका स्पोर्ट्स वेरिएंट, और राइट साइड वाली जो है ये है इसका एस्टा वेरिएंट। दोनों ही जो हैं पेट्रोल एंड डीजल इंजन ऑप्शंस में आती हैं। तो चलिए देखते हैं दोनों के। सबसे पहले हम एक्सटीरियर्स को फ्रंट की बात करेंगे, तो ये देखिए ये है इस गाड़ी का फ्रंट लुक आपके सामने। ये जो कलर स्पोर्ट्स का है ये है एक्वा टील कलर, देखिए हल्का सा ये ग्रीनिश कलर आपको इसमें दिख रहा होगा स्पोर्ट्स वेरिएंट का। ये देखिए फ्रंट लुक। वहीं पे जो बात करेंगे एस्टा की, तो ये कलर खड़ा हुआ है टाइटन ग्रे, ये डार्क ग्रे कलर है। ये देखिए ये है इसका फ्रंट लुक। दोनों के अगर हम फ्रंट में डिफरेंसेस की बात करेंगे तो यहाँ पे निकल के आ रहे हैं इसमें डिफरेंस इनके हेडलैम्प्स में। स्पोर्ट्स में जो है, मैं एक बार जरा पहले दोनों के हेडलैम्प्स ऑन करता हूँ फिर अच्छे से आपको समझाता हूँ। अब देखिए मैंने दोनों की लाइट्स ऑन कर दी हैं, अब अच्छे से आपको समझ में आएगा। हालांकि दिन का वक्त है लेकिन फिर भी विजिबल हो रहे हैं। ये देखिए ये हैं स्पोर्ट्स वेरिएंट के हेडलैम्प, जो कि हैलोजन रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं, येलो रंग की लाइट है। वहीं पे एस्टा वेरिएंट में आते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प, ये है हैलोजन प्रोजेक्टर, यानी है तो येलो रंग की लाइट्स लेकिन प्रोजेक्टर होने की वजह से इसकी लाइट ज़्यादा आपको फोकस देगी रोड पर। तो यहाँ पर इन दोनों गाड़ियों के फ्रंट में मेजर डिफरेंस है इनके हेडलैम्प्स में। बाकी दोनों में ही देखिए बूमरैंग शेप की DRL लाइट्स रखी हैं और प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे फ्रंट में आपने दोनों गाड़ियों के डिफरेंसेस को चेक कर लिया। चलिए अब चलते हैं इनके साइड प्रोफाइल को एक्सप्लोर करने। तो ये देखिए ये है स्पोर्ट्स वेरिएंट का साइड प्रोफाइल आपके सामने, और ये है इसके एस्टा वेरिएंट का साइड प्रोफाइल। डिफरेंसेस को ढूंढेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे इनके व्हील्स को। तो ये देखिए ये स्पोर्ट्स वेरिएंट के व्हील्स आपके सामने हैं, ये ब्लैक रंग के देखिए अलॉय व्हील्स दिए हुए हैं, डिज़ाइन आपके सामने है ब्लैक कलर, या फिर इसको डार्क ग्रे कलर भी आप इसको कह सकते हैं। बाकी साइज़ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 165/70 R14 इंच के ये आएंगे व्हील्स स्पोर्ट्स वेरिएंट में। वहीं जब हम बात करेंगे इसके एस्टा वेरिएंट की, तो देखिए एस्टा वेरिएंट के व्हील्स ज़्यादा आपको खूबसूरत लग रहे होंगे क्योंकि इसमें दे रखे हैं डायमंड कट एलॉय व्हील्स, यानी ये ब्लैक फिनिश और ये देखिए सिल्वर फिनिश इसमें आपको मिलेंगे इनके एलॉय व्हील्स में। तो ये ज़्यादा देखिए खूबसूरत लगेंगे स्पोर्ट्स वेरिएंट से। इसके अलावा इसके अगर टायर साइज़ की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 175/60 R15 इंच के ये व्हील्स आएंगे, यानी ये डायमंड कट में है और 1 इंच बड़े भी हैं स्पोर्ट्स वेरिएंट से। तो यहाँ पे डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों के व्हील्स में। इसके अलावा और डिफरेंस की बात करेंगे तो बाकी तो सब कुछ मुझे इसमें सेम दिख रहा है। देखिए मिरर्स भी दोनों के बिल्कुल सेम है, टर्न इंडिकेटर्स के साथ है। नहीं यहाँ पे देखिए डिफरेंस और है, स्पोर्ट्स वेरिएंट के जो आउटसाइड हैंडल्स हैं ये दिए हुए हैं इसमें बॉडी कलर्स में। ये देखिए ये बॉडी कलर्स में है, जिस भी कलर की गाड़ी आप परचेज़ करेंगे उसी कलर के ये हैंडल्स मिलेंगे। वहीं पे एस्टा वेरिएंट पे देखिए प्रीमियम हैंडल्स मिलते हैं, यहाँ पे देखिए क्रोम हैंडल्स दिए हुए हैं, तो ये लगते हैं ज़्यादा प्रीमियम। और यहाँ पे एक देखिए छोटा सा एक स्मार्ट एंट्री बटन है, कीज जब चेक कराऊंगा तो इस बटन की वर्किंग भी आपको चेक करवा दूंगा। तो ये हैं दोनों डिफरेंसेस इन गाड़ियों के साइड प्रोफाइल में। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ इनके बैक साइड में और देखते हैं क्या क्या हैं डिफरेंसेस। तो ये आ गया मैं इन दोनों गाड़ियों के बैक प्रोफाइल पर। ये आप देख रहे हैं इसका स्पोर्ट्स वेरियंट, ये देख लीजिए पीछे से, और ये देखिए ये है इस गाड़ी का एस्टा वेरिएंट। इसमें अगर हम स्पोर्ट्स वेरिएंट की बात करेंगे तो देखिए स्पोर्ट्स का एम्बलम दिया हुआ है, इधर की तरफ देखिए तो आपको डिफॉगर्स मिलेंगे, वाइपर इस वेरिएंट में नहीं दिया हुआ है। अगर आपको वाइपर चाहिए तो आप स्विच करिए एस्टा वेरिएंट पे। यहाँ पे देखिए वाइपर भी आपको रियर वाइपर मिल जाएगा और डिफॉगर्स दोनों में कॉमन है। और एस्टा की देखिए यहाँ पर
ब्रांडिंग है। इसके अलावा एक और फीचर है, ये देखिए इसमें यहाँ पे टेल गेट गार्निश आपको मिल जाएगी जो कि इस गाड़ी को बैक से प्रीमियम बनाएगी। ये गार्निश भी जो है क्रोम की मिसिंग है, ये देखिए स्पोर्ट्स वेरियंट में। तो यहाँ पे दो डिफरेंस निकले इनके बैक प्रोफाइल में, एक तो रियर वाइपर और दूसरा क्रोम गार्निश का। तो ये हो गया इनके कंप्लीट एक्सटीरियर प्रोफाइल, मैंने आपको चेक करा दिया एस्टा एंड स्पोर्ट्स का। चलिए अब देखते हैं इनकी कीज़ को। दोस्तों ये देखिए ये हैं इन दोनों गाड़ियों की कीज़। स्पोर्ट्स वेरिएंट की अगर की बात करेंगे तो देखिए इसमें एक मैनुअल की मिलेगी, दूसरी आपको रिमोट सेंट्रल लॉकिंग वाली की दे रखी है जिसमें यहाँ पर लॉक अनलॉक बूट ओपनर का बटन है और ये फ्लिप की मिलेगी। वहीं जब बात करेंगे इसके एस्टा वेरिएंट की तो ये टॉप मोस्ट वेरिएंट है, इसमें आपको ये देखिए इस तरीके की स्मार्ट कीज़ मिलती हैं जिसमें यहाँ पे बटन्स देखिए क्रोम के हैं, बटन सेम है, लॉक अनलॉक एंड बूट ओपनर है और इसमें की है तो बस वो एक इमरजेंसी की इसमें अंदर दी है। अभी मैं एस्टा को जब चेक कराऊंगा तो पूरी वर्किंग आपको की दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे स्मार्ट कीज़ एस्टा वेरिएंट पे, वहीं पे स्पोर्ट्स में आपको मिलेगी रिमोट सेंट्रल लॉकिंग वाली की। चलिए सबसे पहले मैं अब अनलॉक करता हूँ, दोनों ही गाड़ियाँ अनलॉक कर लेते हैं और हम बढ़ते हैं इनके बूट की तरफ। तो ये मैं कर दिया इसको स्पोर्ट्स वेरिएंट को अनलॉक और बात करेंगे ज़रा एस्ट्रा वेरिएंट की। तो देखिए इसमें आती हैं स्मार्ट कीज़, तो ये स्मार्ट एंट्री बटन है, बस कीज़ अगर आपके पास हैं तो उस बटन को प्रेस करिए गाड़ी लॉक या फिर ये अनलॉक हो जाएगी। तो बहुत ही कन्वीनियंस फीचर है, आपके पॉकेट में अगर की है तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, बस बटन को प्रेस कर दीजिए गाड़ी जो है लॉक अनलॉक हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं, हम इंटीरियर्स को बाद में चेक करेंगे, पहले ज़रा दोनों गाड़ियों का बूट चेक करवा देता हूँ। इन दोनों के मैं बूट को ओपन कर देता हूँ और फिर ज़रा चेक करवाता हूँ इनके बूट में कुछ है डिफरेंस कि नहीं। तो पार्सल ट्रे तो दोनों में ही है, इसको ज़रा मैं ऊपर फंसा देता हूँ। ये देखिए ये है इसका एस्टा वेरिएंट का बूट स्पेस और ये है देखिए स्पोर्ट्स वेरिएंट का बूट स्पेस। स्पोर्ट्स वेरिएंट पे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें ये देखिए बूट लैंप प्रोवाइड नहीं किया गया है। बाकी एक नज़र मैं आपको स्पेयर व्हील पर दिखा देता हूँ, क्योंकि एलॉयज़ में आते हैं ब्लैक रंग के, इसके 14 इंच के एलॉयज़ हैं और ये देखिए इसका स्पेयर व्हील जो है ये स्टील पे दिया है, यानी एलॉय पे नहीं दिया है। और साइज़ अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 14 इंच का स्पेयर व्हील है, यानी सेम साइज़ का आपको स्पेयर व्हील मिलेगा स्पोर्ट्स वेरिएंट पे। वहीं जब हम देखेंगे इसके एस्ट्रा वेरिएंट में तो देखिए डिफरेंस आपको दिख रहा है, इसमें आपको मिल जाएंगे बूट लैंप, यहाँ पे एक सिंगल बूट लैंप दिया हुआ है, नाइट के समय पे मदद करेगा यहाँ पे सामान को रखने और निकालने पे। बाकी स्पेयर व्हील देखते हैं क्योंकि इसमें तो आते हैं डायमंड कट अलॉयज, लेकिन स्पेयर व्हील आपको देखिए सेम स्टील पे ही दिया हुआ है और साइज़ देखिए यहाँ पे लिखा है, इसमें भी आपको 14 इंच का स्पेयर व्हील मिलेगा, यानी एस्टा का स्पेयर व्हील जो है वो एक इंच छोटा हो गया। तो ये भी डिफरेंस तो नहीं है क्योंकि स्पेयर व्हील दोनों में सेम है, लेकिन ये आपकी जानकारी के लिए हो गया कि एस्टा वेरिएंट में आपको स्पेयर व्हील छोटा मिलता है लेकिन स्पोर्ट्स वेरिएंट में स्पेयर व्हील आपको सेम साइज़ का मिलेगा। तो यहाँ पर ये आपने डिफरेंसेस चेक कर लिए इन दोनों गाड़ियों के बूट के। अब चलिए मैं केबिन को चेक करवाता हूँ। तो सबसे पहले मैं स्पोर्ट्स वेरिएंट की तरफ आ गया, तो ये देखिए ये है स्पोर्ट्स वेरिएंट का इंटीरियर आपके सामने, यहाँ पर देख सकते हैं आप इसके इंटीरियर थीम को, ग्रे टोन पे इसका इंटीरियर है, डुअल टोन पे इसको दिया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है नियोस का इंटीरियर। यहाँ पे इग्निशन ऑन करने के लिए देखिए चाबी लगा के इग्निशन को ऑन करना पड़ेगा और ये देख लीजिए इसका फ्रंट साइड का, और यहाँ पे पूरा डिज़ाइन देख सकते हैं। फीचर्स को अभी थोड़ी देर में एक्सप्लोर करता हूँ, पहले ज़रा इसके पीछे की सेटिंग चेक करवा दूँ। तो ये देखिए ये है इस गाड़ी का पीछे का डोर आपके सामने, यहाँ पर देख लीजिए चारों पावर विंडो आते हैं, तो यहाँ पर पावर विंडो के स्विच, स्पीकर्स, हैंडल देख लीजिए, ये देखिए इसकी बैक सेटिंग्स आपके सामने हैं, ये दी हुई है देखिए इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट के साथ। यहाँ पे इसके हेडरेस्ट को आप ऊपर नीचे मूव नहीं करा पाएंगे। सेंटर पे आर्मरेस्ट इसमें नहीं आता नियोस में। बाकी रियर एसी वेंट 12 वोल्ट का पावर आउट मिल जाएगा आपको इसमें। ऊपर की साइड दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख लीजिए एक झलक। तो दोस्तों ये आपने देख लिया इसकी बैक सीटिंग्स को अच्छे से। अब चलिए ज़रा डिफ्रेंसेज ढूंढने के लिए हम बढ़ते हैं इसके एस्ट्रा वेरियंट की तरफ। एस्ट्रा वेरियंट में यहाँ पे देख लीजिए ये है इसका इंटीरियर, इंटीरियर थीम दोनों की बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, डिफरेंसेस हैं इनके फीचर्स में। तो ये तो आपका हो गया इंटीरियर थीम, यहाँ पे एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। बाकी इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आता है, स्पोर्ट्स में की से आपने गाड़ी को यानी इग्निशन को ऑन किया था वहीं पर, इसमें बस क्या है कीज़ गाड़ी के अंदर होनी चाहिए। मैं ज़रा इसको रख देता हूँ यहाँ पर बीच में,
और इसमें देखिए इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया हुआ है, इसको प्रेस करिए इग्निशन हो जाएगा ऑन। अगर मैं इसके क्लच को प्रेस करके बटन प्रेस करता तो ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती। तो यहाँ पे कन्वीनियंस अच्छा है, थोड़ा सा प्रीमियम फीचर है इसमें, आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाएगा। ये भी एक बड़ा डिफरेंस है इन दोनों वेरियंट्स में। बाकी आगे के फीचर्स को एक्सप्लोर अभी बाद में करते हैं, पहले जरा हम पीछे की सेटिंग्स को चेक करवा दें। तो ये देखिए, ये है इसका पीछे का डोर, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसकी बैक सेटिंग्स चेक कर लीजिए, जिसमें है एक डिफरेंस, ये देखिए इसमें आपको मिल जाएगा हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट। तो यहाँ पे कंफर्ट बढ़ जाएगा इस गाड़ी में हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट की वजह से। बाकी आर्मरेस्ट देखिए पीछे नहीं आता किसी भी वेरियंट पर, और चीज़ें सेम है। रियर एसी वेंट, चार्जिंग पोर्ट यानी 12 वोल्ट का पावर आउट, ये सब सेम दिया हुआ है इसमें। तो यहाँ पे निकला एक डिफरेंस इसके हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट पे। तो दोस्तों आपने देख लिया इन दोनों गाड़ियों की बैक सेटिंग्स में। मैं वापस चलता हूँ स्पोर्ट्स की तरफ और अब स्पोर्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे आगे से। तो पहले मैं बैठ लेता हूँ गाड़ी के अंदर और फिर अच्छे से आपको पहले तो चेक करवा दूँ इसका स्पोर्ट्स वेरियंट। तो ये देखिए, ये मैं आ गया स्पोर्ट्स वेरियंट की तरफ, ये देख लीजिए इस गाड़ी को इस साइड पे और इस तरफ भी देख लीजिए। ये देखिए, चलिए अब कुछ फीचर्स हाईलाइट कर दूं। तो ये देखिए इसका स्टीयरिंग जो है पावर स्टीयरिंग है, लेकिन ये देखिए नॉन लेदर रैप्ड है, लेदर रैप्ड नहीं दिया हुआ है, सिंपल स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं इसमें, टिल्ट फीचर दिया हुआ है, ये देखिए डिजिटल स्पीडोमीटर MID डिस्प्ले मिल जाएगा इसमें आपको। ये 8 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम है, स्मार्टफोन कनेक्टिविटीज़ के साथ आएगा, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले दिया हुआ है। ऑटोमेटिक AC इसके स्पोर्ट्स वेरिएंट से स्टार्ट हो जाता है, जो भी आप टेम्परेचर को सेट करेंगे वो ये मेंटेन रखेगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ देखिए तो एक 12 वोल्ट का पावर आउट है, जैसे पीछे दिया था वैसे एक इसमें आगे भी दिया हुआ है। और ये USB पोर्ट है, यानी म्यूजिक सिस्टम के लिए पेन ड्राइव लगाने का ऑप्शन है। यहाँ पे पेन ड्राइव लगा के MP3 सॉन्ग्स को सुन सकते हैं। इस साइड पे देखिए एक स्टोरेज स्पेस है, इधर तरफ जो है ये देखिए दिया हुआ है कप होल्डर, बॉटल होल्डर, और इसका जो हैंड ब्रेक है ये देखिए ब्लैक टिप के साथ है। यहाँ पे आप देख लीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ों में है डिफरेंस, जब मैं चेक करवाऊँगा एस्टा वेरिएंट को तो आपको पता लगेगा। डे नाइट इनसाइड रियर व्यू मिरर है, ये तो माइक दिया हुआ है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के बाद, यहाँ से आपकी आवाज़ जाएगी कॉलिंग के दौरान। ये देखिए ये दिया हुआ है इसमें वैनिटी मिरर, इस साइड पर चेक कर लीजिए। अब एक और चेक करवा देता हूँ, तो ये देखिए ये है इसका ग्लोव बॉक्स, जो कि नॉन कूलिंग फीचर के साथ है। पहले इसमें इस यानी स्पोर्ट्स वेरिएंट पे कूल्ड ग्लोव बॉक्स आता था, लेकिन 2020 के मिड में यानी एंड में ही लगभग कह लीजिए इसमें कूल्ड ग्लोव बॉक्स को हटा दिया गया था। तो ये चीज़ आपने चेक कर ली, यानी आपने इसके ग्रैंड एटन न्योस स्पोर्ट्स वेरिएंट के आगे के सारे फीचर्स तो देख लिए। अब डिफरेंसेस आपको पता लगेगा जब मैं आपको दिखाऊँगा एस्टा वेरियंट। ये मैं आ गया इसके एस्टा वेरियंट की तरफ और आगे साइड का पैनल में कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों ही गाड़ियों में। इस साइड पर भी देखिए सेटिंग्स दोनों में ही हाइट एडजस्टेबल आती है। अब बैठते हैं हम जरा इसके एस्टा वेरिएंट पे और देखते हैं फीचर्स को। तो ये आपको दिखा रहा हूँ इस गाड़ी का एस्टा यानी टॉप मोस्ट वेरिएंट, देख लीजिए आप इस साइड्स पे देख लीजिए और इधर देख लीजिए। चलिए अब ढूंढते हैं हम डिफरेंसेस को। तो ये देखिए, ये है इसका स्टीयरिंग, इसमें आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग मिलेगा। तो ये स्टीयरिंग है ज़्यादा प्रीमियम, ये देखिए सॉफ्ट है हल्का सा, जब उसको आप ऐसे होल्ड करेंगे तो प्रीमियम फील आएगा लेदर रैप्ड होने की वजह से। तो ये भी एक डिफरेंस है। टिल्ट दोनों में ही स्टीयरिंग मिल जाएगा, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दोनों में है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों में सेम दिया हुआ है, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। म्यूजिक सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें आपको यानी दोनों में ही सेम जो है मिल जाएगा 8 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम, सेम स्मार्टफोन कनेक्टिविटीज़ के साथ आएगा। AC भी दोनों में सेम है, ऑटोमेटिक AC मिलता है, यहाँ पे भी डिफरेंस नहीं है। इधर तो देखिए, तो यहाँ के इस पैनल पे आपको डिफरेंसेस दिख रहे होंगे। पहला तो देखिए, ये दोनों पोर्ट तो सेम दिए हुए हैं, हल्का सा पोजिशनिंग का डिफरेंस है, बाकी ये पेन ड्राइव लगाने के लिए है, 12 वोल्ट का पावर आउट है। यहाँ पे देखिए एक डिफरेंस है, ये जो पहले पैड दिखा दूँ, यहाँ पे आपको एस्टा वेरियंट में मिल जाता है वायरलेस चार्जर, एक प्रीमियम फीचर है। अगर आपका फ़ोन वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, इस पैड के ऊपर अपने फ़ोन को रखिए, वायरलेस चार्जिंग यानी बिना कोई केबल वगैरह अटैच करे आपका फ़ोन चार्ज होने लगेगा। कौन कौन से फ़ोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं
हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अब इस वायरलेस चार्जर को पावर दे रहा है, ये देखिए इस तरीके का एक पावर दिया हुआ है इसमें। यहाँ पे भी एक 12 वोल्ट का पावर आउट लगा दिया है, तो अगर आप ज़रूरत पड़े तो दो अटैचमेंट 12 वोल्ट के लगा सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे फिक्स कर दीजिए, वायरलेस चार्जर स्टार्ट हो जाएगा। जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक USB चार्जर भी दिया हुआ है, देखिए कितना बढ़िया इसको सेट किया गया है। तो आप अगर डायरेक्टली डेटा केबल से फ़ोन को चार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर लीजिए, वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है तो यहाँ से कर लीजिए। दो 12 वोल्ट के अटैचमेंट को लगाना चाहते हैं तो इसको निकाल दीजिए, तो देखिए यहाँ पे दो पावर आउट बन जाएंगे। तो इस तरीके से पूरा ये पैनल आपको डिफरेंट दिखेगा स्पोर्ट्स वेरिएंट से। तो ये भी एक बड़ा फीचर डिफरेंस है, वायरलेस चार्जर एंड USB चार्जर आपको मिल जाता है इसके टॉप मोस्ट वेरिएंट में। बाकी गियर नॉब देखिए बिल्कुल सेम दे रखा है। बात करते हैं इसके हैंड ब्रेक की, तो यहाँ पे देखिए ये क्रोम टिप के साथ आपको इसका हैंड ब्रेक मिलेगा, तो ये भी एक डिफरेंस है, हालांकि छोटा सा है लेकिन है तो डिफरेंस। ऊपर की तरफ दिखा देता हूँ तो ये तो सेम दिया हुआ है, इधर देखिए माइक सेम है, इस साइड पर भी सेम सब चीज़ मिलेगी, इस पे भी देखिए सब कुछ सेम मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं इसके ग्लव बॉक्स की, तो ये देखिए इसमें आपको मिल जाएगा, देखिए कूल ग्लव बॉक्स, ये देखिए ये कूल ग्लोव बॉक्स दिया हुआ है, इसमें देखिए नॉब लगा हुआ है। अगर एसी ऑन है तो इसको ओपन कर दीजिए और यहाँ पे ठंडक स्टार्ट हो जाएगी, यानी एसी की कूलिंग आने लगेगी और इस बॉक्स को कर देगा ठंडा। अगर आपने इसमें बॉटल्स या कुछ और भी रखा हुआ है तो वो ठंडा बना रहेगा। तो ये भी बड़ा डिफरेंस है इन दोनों वेरियंट्स में। तो दोस्तों जो भी सारे डिफरेंस थे छोटे बड़े मैंने आपको दिखा दिए ग्रैंड आइटम न्योस स्पोर्ट्स एंड एस्टा के। तो यहाँ पे डिफरेंसेस तो आपने फीचर्स पे चेक कर लिए, अब बात करेंगे कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है, तभी समझ में आएगा जब मैं इन दोनों गाड़ियों का आपको दिखाऊंगा प्राइस में डिफरेंस। दोस्तों आपने दोनों ही गाड़ियां यानी ग्रैंड एटन, न्योस, स्पोर्ट्स एंड एस्टा में जो भी फीचर्स में डिफरेंसेस थे वो तो चेक कर लिए, अब आ गए हम इसके प्राइस वाले पार्ट में, इंपॉर्टेंट पार्ट है, तभी समझ में आएगा कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है। मैं प्राइस कंपैरिजन जो करूंगा वो दोनों गाड़ियों का मैनुअल ट्रांसमिशन से करूंगा, पेट्रोल एंड डीजल दोनों में, क्योंकि इसका पेट्रोल में AMT ऑटोमेटिक भी आती है, ड्यूअल टोन भी आती है, लेकिन डीजल में आपको मिलेगा सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक नहीं आएगा। तो कंपैरिजन निकालेंगे मैनुअल ट्रांसमिशन से। चेक करते हैं सबसे पहले हम एक्सोरूम कॉस्ट, स्पोर्ट्स वेरिएंट पेट्रोल का 6,57,750 रुपीज है और एस्टा का है 7,33,350 रुपीज, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 75,600 रुपीज का। डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन 7,65,250 रुपीज का स्पोर्ट्स का एक्सोरूम कॉस्ट है और एस्टा का है 8,40,850 रुपीज, यहाँ पे भी सेम डिफरेंस है 75,600 रुपीज। ऑन रोड प्राइस कैलकुलेट करेंगे, यूपी के ही मैं प्राइस को कैलकुलेट करूंगा, सिर्फ इसमें कंपलसरी चार्ज जैसे कि इंश्योरेंस आरटीओ को कैलकुलेट करेंगे, एक्सोरूम कॉस्ट जोड़ेंगे और ऑन रोड प्राइस स्पोर्ट्स का पेट्रोल का है 7,50,741 रुपीज का और एस्टा का है 8,35,146 रुपीज, यहाँ पे डिफरेंस निकल के आ रहा है 84,405 रुपीज का। डीजल का स्पोर्ट्स का ऑन रोड प्राइस है 8,70,720 रुपीज और एस्टा का है 9,55,162 रुपीज, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम डिफरेंस है 84,442 रुपीज का। तो दोस्तों आपने देखा दोनों के प्राइस डिफरेंस में आ रहा है लगभग 84,000 रुपीज का डिफरेंस। अब बात आई कि कौन सी गाड़ी देखिए वैल्यू फॉर मनी है। बात करेंगे जब हम स्पोर्ट्स वेरिएंट की, तो आपने देखा स्पोर्ट्स वेरिएंट में जरूरत के सारे फीचर्स मिल जाते हैं। फ्रंट में प्रोजेक्टर फॉग लैंप दिए हैं, एलॉय व्हील्स आ जाएगा, रियर डिफॉगर्स दिए हुए हैं, शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग है, 8 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम, रिवर्स पार्किंग कैमरे के साथ है, ऑटोमेटिक AC और सेफ्टी फीचर्स तो दोनों में ही सेम है, ड्यूअल एयरबैग्स, ABS, EBD दिया हुआ है, यानी एक गाड़ी में जितनी जरूरत की चीजें चाहिए सब कुछ आपको मिल जाती है स्पोर्ट्स वेरिएंट में और कुछ प्रीमियम बनाता है एलॉय व्हील्स, ऑटोमेटिक AC इस गाड़ी को। अब बात आई एस्टा वेरिएंट के, जिसके लिए आप पे कर रहे हैं 84,000 रुपीस। एस्टा वेरिएंट में अगर हाइलाइटेड फीचर्स की बात करेंगे तो फ्रंट में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आ जाएंगे, इसके अलावा डायमंड कट एलॉय व्हील्स हो जाएंगे जो कि 1 इंच बड़े हैं यानी 15 इंच के हैं, रियर वाइपर, स्मार्ट की विद पुश स्टार्ट बटन, वायरलेस चार्जर, कूल ग्लोव बॉक्स और रियर सीट हाइट एडजस्टेबल, साथ में लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील आपको मिलेगा। यानी यहां पे अगर आप देखिए तो एस्टा वेरिएंट में कुछ कह लीजिए फैंसी फीचर्स ज्यादा मिल जाते हैं और जितने जरूरत के यूज के फीचर हैं वो आपको मिल जाते हैं स्पोर्ट्स वेरिएंट में। तो अगर आपको इन फीचर्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं जो कि एस्टा में एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो आप पे करिए देखिए 84,000 रुपीज। लेकिन अगर हम सेलिंग की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा गाड़ी बिकती है स्पोर्ट्स वेरिएंट, क्योंकि स्पोर्ट्स में मतलब भर का सब कुछ आपको मिल जाता है और प्राइस के हिसाब से उसको वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट भी हम कह सकते हैं। बाकी देखिए आपने दोनों गाड़ियां चेक कर ली, प्राइस भी चेक कर लिए, अब आप बताइए आपके हिसाब से कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है, आप कौन से में जाएंगे, स्पोर्ट्स में जाएंगे कि
आप जाएंगे एस्टा में, आप हमारे कमेंट सेक्शन पे जाके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, इसको भी बताना मत भूलिएगा। अगर हमारे कंपैरिजन वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं, मदद करते हैं वेरिएंट डिसाइड करने में, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी आगे कंपैरिजन वीडियो जैसे ही अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट कंपैरिजन वीडियो या रिव्यू वीडियो पे, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।